एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन, वो भी किलोमीटर टू मीटर। यानी कि अगर हमें किलोमीटर में कोई भी नंबर या कोई वैल्यू दी गई है तो हम उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस कन्वर्जन के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको अच्छे से लर्न करना है, और ये है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, मतलब 1000 मीटर होते हैं, मतलब 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें बताना है 7 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, मीन 7 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 किलोमीटर लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर है, तो 7 किलोमीटर इक्वल्स कितना हो जाएगा, हम इसको 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर है, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर। और यहाँ पर जो इस किलोमीटर की वैल्यू है वो है 1000 मीटर, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर। और अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7000 मीटर, और यही है हमारा आंसर, मींस 7 किलोमीटर में 7000 मीटर्स होते हैं। ऐसे ही अब हम और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें बताना है कि 12 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो हम सेम फॉर्मूले की हेल्प से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 12 किलोमीटर इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर। अब यहाँ पर 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर की क्या वैल्यू दी गई है, 1000 मीटर। तो हम इसे 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 12000 मीटर, मींस 12 किलोमीटर के अंदर 12000 मीटर होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें बताना है कि 22 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो सबसे पहले हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 22 किलोमीटर इक्वल्स 22 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर इक्वल्स 22 मल्टीप्लाइड बाय, हमने पढ़ा था फॉर्मूले में 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर, तो हम इसे 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22000 मीटर, और यही है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें बताना है कि 42 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 42 किलोमीटर इक्वल्स 42 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी है, 1000 मीटर, तो हम 42 को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 42000 मीटर, और यही है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है 6.5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। यानी कि अब हमें बताना है डेसिमल के तरीके से, यानी कि 6.5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो हम वही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे, 6.5 किलोमीटर इक्वल्स 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर इक्वल्स 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हम लिख देते हैं 65000 मीटर, लेकिन यहाँ पर एक डेसिमल है तो हम एक ही के बाद यहाँ पर पॉइंट दे देंगे यहाँ पर, और अब हम इस जीरो को हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा आंसर है यहाँ पर 6500 मीटर। यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर डेसिमल है, तो अगर आप यही आंसर लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको डेसिमल के तरीके से उसे सॉल्व करना है। यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा था, तो हमने भी यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया और ये हमारा आंसर आ गया।
तो अब हमने ये भी सीख लिया कि हम नॉर्मल नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर टू मीटर में और डेसिमल को कैसे करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स लाने हैं और उनको एक नोटबुक में सॉल्व कर कर देखना है, यानी कि कुछ एग्जांपल्स किलोमीटर के लेना है और उनको मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।